मेरी प्यारी बच्ची, कभी कभी जीवन में तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया था, और तुमने वो पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम जानते हो कि वो गलत कर्म है। लेकिन अब उस गलत राह पर चलकर तुम्हारे मन में उथल पुथल हो रही है ना, तो जब तुम्हें सही गलत का एहसास है तो बस अपने कदम पीछे कर लो और फिर से सही राह पर चल पड़ो। चाहे वो राह अभी कठिन लगे, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें वो राह आसान लगेगी, क्योंकि तब तुम्हारे मन में कुछ भी गलत करने का बोझ नहीं होगा। और हर बार कोई और आकर हमें हमारी गलती बताए ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारी अंदरूनी आवाज़ ही हमें सही रास्ता दिखाती है, तो उस आवाज़ को सुनो और जीवन में सही निर्णय लो। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ और दोस्ती करो जो तुम्हें खुद पर विश्वास करने के लिए बढ़ावा दें, और अपने साईं पर हमेशा विश्वास बनाए रखो। चाहे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कितने ही बुरे क्यों ना हों, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे जीवन में तुम कब किससे मिलते हो ये मैं तय करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सही समय पर सही लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। चाहे तुम्हारे दुख और तकलीफें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें उस तकलीफ से बाहर निकाल ही लेंगे। हमेशा एक बात याद रखो, चाहे खुशी हो या गम हो, लेकिन प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ कर दिया है, पहले भी और अब भी, इसलिए चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे अच्छे कर्म है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हें उनका फल अवश्य मिलेगा और जल्द ही तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे दर्शन चाहे तुम्हें घर पर हो या फिर सिरडी में, मेरी दर्शन से तुम्हें मैं रोज एक नई ऊर्जा प्रदान करता हूँ और रोज हिम्मत देता हूँ तुम्हें नए सिरे से जीवन जीने के लिए। इसलिए व्यर्थ की चिंता में मत घिरे रहो, सब कुछ मेरे चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाओ और मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करो। सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।